ज्योतिष ज्ञान चैनल के सदस्य बन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2018 का अंतिम माह अर्थात दिसंबर माह कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिसंबर माह में वृष राशि वाले जातकों को क्या लाभ देखने को मिलेंगे, वे किन किन बातों को रखना होगा ध्यान, शुभ रंग, शुभ दिन, शुभ अंक जो आपको देंगे करियर में सफलता, साथ ही एक महा उपाय जिसे दिसंबर माह में करकर आप बना सकते हैं अपना लकी चार्म। तो आइए सर्वप्रथम एक नजर डालते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर स्थिति क्या दे रही है संकेत। गोचर स्थिति के अनुसार तृतीय भाव के अंदर राहु स्थित रहेंगे, 1 दिसंबर को चतुर्थ भाव के अंदर चंद्रमा रहेंगे। यहां मैं आपको बता दूं चंद्रमा 2.5 दिन के अंदर अपनी एक राशि परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे में कुछ दिवस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनमें हमें रहना होगा पहले से ही सावधान, क्योंकि चंद्रमा जब भी 4थे, 8वें और 12वें स्थान के ऊपर होते हैं तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। ऐसे में यहां मैं आपको कुछ डेट से अवगत कराऊंगा जिनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत रहना होगा सावधान, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब भी चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव के अंदर जाते हैं तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलते हैं। मित्रों 8 और 9 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, 18 और 19 को द्वादश भाव में रहेंगे, तो वहीं 27 और 28 को चतुर्थ चंद्रमा रहेंगे। ऐसे में बताए गए 6 दिवसों के अंदर आपको थोड़ा बहुत रहना होगा सावधान। साथ ही मैं बता दूं कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए आगे जानते हैं गोचर स्थिति अनुसार ग्रह क्या दे रहे हैं संकेत। दिसंबर माह में वृष राशि वाले जातकों के षष्टम भाव में शुक्र, तो वहीं सप्तम भाव में सूर्य, बुध और गुरु की युति देखने को मिलेगी, तो वहीं अष्टम भाव के अंदर शनि गोचर करेंगे। 15 दिसंबर के बाद में सूर्य भी शनि के साथ युति बना लेंगे। नवम भाव में केतु स्थित रहेंगे। 22 दिसंबर 2018 तक मंगल दशम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात में एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं ग्रहों की यह गोचर स्थिति क्या दे रही है वृष राशि वाले जातकों के लिए संकेत। तो मित्रों यहां मैं आपको बता दूं वृष राशि वाले जातकों को दिसंबर माह में थोड़ा बहुत आलस्य देखने को मिल सकता है, स्वयं के आलस्य के चलते कार्यों में भी देखने को मिल सकती है रुकावटें, इसलिए आपको चाहिए कि स्वयं के शरीर में आलस्य का प्रवेश ना होने दें, वे अपने कर्म के अंदर जागरूक रहें, अन्यथा कार्यों में रुकावटें देखने को मिल सकती है। यदि वृष राशि के जातक अपने आलस्य को त्याग कर अपने कर्म क्षेत्र में परिपूर्णता से ध्यान देते हैं तो निश्चित ही देखने को मिलेंगे धन लाभ, कुटुंब परिवार में यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी, कम मेहनत में देखने को मिलेंगे श्रेष्ठ परिणाम, छोटे भाई बहनों से देखने को मिलेगी संबंधों में मधुरता, वह व्यापारिक यात्राएं रहेगी सफल। 15 दिसंबर के बाद में माता के स्वास्थ्य का रखना होगा आपको थोड़ा बहुत ध्यान, अन्यथा माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, संतान पक्षीय श्रेष्ठ समाचार सुनने को मिल सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनते नजर आ रहे हैं, मेमोरी शार्प रहेगी व स्टमक रहेगा मजबूत। किंतु वृष राशि के वह व्यक्ति जिनको हार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है उन्हें भी रखना होगा अपना थोड़ा बहुत अधिक रूप से ध्यान। दिसंबर माह में वृष राशि वाले जातकों को चाहिए कि यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसे दिसंबर माह में टालें, साथ ही अपने जीवन साथी से भी मधुर संबंध बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रह स्थिति अनुसार जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मन मुटाव दिसंबर माह में वृष राशि वाले जातकों को देखने को मिल सकता है। ऐसे में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने का प्रयास करें। जिन वृष राशि वाले जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए यह समय श्रेष्ठ फल प्रदाता रहेगा, देखने को मिल सकते हैं विवाह कारक पक्षकारी परिणाम। वृष राशि के वह जातक जो स्वयं का व्यवसाय करते हैं उन्हें अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्ति हेतु स्वयं को रहना होगा सचेत, वह अधिक मेहनत कर ही देखने को मिलेंगे श्रेष्ठ मुकाम। तो वहीं वृष राशि के नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने जैसा कार्य चल रहा है उसी प्रकार से सुचारू रूप से चलाते रहें, किसी प्रकार के फेरबदल करने का प्रयास दिसंबर माह में ना करें। बात करें यदि वृष राशि वाले जातकों के लिए शुभ रंग की, तो हरा, केसरिया व गुलाबी रंग का प्रयोग आपके लिए रहेगा शुभ फल प्रदाता, तो वहीं शुभ अंक 2, 5 व 7 मान्य है, शुभ दिन बुधवार व शुक्रवार मान्य है। तो आइए जान लेते हैं कौन सा है वह महा उपाय जिसे दिसंबर माह में यदि वृष राशि वाले जातक करते हैं तो 100% देखने को मिलेंगे श्रेष्ठ परिणाम। मित्रों दिसंबर माह में वृष राशि वाले जातकों को मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। सायंकालीन समय में यदि मंगलवार के दिन दक्षिणमुखी हनुमान जी के सामने आप तिल्ली के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपकी होगी सभी मनोकामनाएं पूर्ण।
साथ ही भगवान शंकर का गन्ने के रस से अभिषेक करना आपको देगा धन योग में लाभ। 15 दिसंबर के पश्चात जब मलमास प्रारंभ हो जाएगा, ऐसे में अपने पुराने कपड़े किसी गरीब को दान दे। साथ ही गौ सेवा करने पर देखने को मिलेंगे श्रेष्ठ परिणाम। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह कैसा रहेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।